Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSET, today we will discuss order and ranking. Order and ranking एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर एग्जाम के अंदर हर बार दो या तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं. ठीक है, इट डिपेंड्स कि जो क्वेश्चन है वो आपके पास में रैंकिंग पे बेस्ड आया हुआ है, या फिर ऐसा हो जाता है कि जो क्वेश्चन के अंदर आपके पास कुछ स्टेटमेंट है और उस पर दो क्वेश्चन आ गए, एंड ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है, ऑर्डरिंग का क्वेश्चन है और आपके पास में एक स्टेटमेंट पे दो क्वेश्चन आ गए, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका डाटा सफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. ओके, और स्टेटमेंट पे बेस्ड भी हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है एंड आफ्टर दैट स्टेटमेंट देयर आर टू मोर स्टेटमेंट्स. ओके, मींस क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद में आपके पास दो स्टेटमेंट है, कंक्लूजन स्टेटमेंट, एंड इन द ऑप्शन यू हैव फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू, सेकेंड एंड थर्ड इज सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू, ओनली फर्स्ट इज ट्रू, इस तरह से कुछ भी आपके पास आ सकता है. सो आज कुछ क्वेश्चंस ऑर्डर एंड रैंकिंग पे बेस्ड मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी. सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सो ट्राई टू सॉल्व विद मी, देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, देखिए क्या है क्वेश्चन. हाँ जी, क्वेश्चन है आपके पास, ए क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड इन ए सिंगल लाइन. ओके, वन बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ ऑफ द एंड्स, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द क्लास. क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? यस, एक क्लास है, क्लास के अंदर कह रहा है कि एक बॉय 19th है, 19th है फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से. दैट मीन्स यू कैन से ही लाइज ओवर हियर. ओके, अगर मैं कहती हूँ कि लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है, तो लेफ्ट से कौन सी पोजीशन है उसकी? 19th है. इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ कि उसकी राइट से पोजीशन क्या है, अगेन इट इज 19th. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, कि रो के अंदर कितने बॉयज हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? यस, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. जिनको कंसेप्ट पता है, आप इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इसका आंसर करोगे, कुछ नहीं है. नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? अगर आपके पास में कुछ भी इस तरह की सिचुएशन गिवन है कि एक सिंगल पर्सन की आपको लेफ्ट राइट बोथ साइड से पोजीशन पता है, इन दैट केस यू कैन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो. कैसे? लेफ्ट पोजीशन प्लस राइट पोजीशन माइनस 1. तो यहां पे क्या रहेगा? 19 प्लस 19 माइनस 1, दैट मींस 37. ओके सर, आंसर विल बी 37. जिन जिन भी स्टूडेंट्स का 37 आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, 37 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास? राजन इज सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड विनय इज 10th फ्रॉम द राइट एंड. नाउ देर आर टू पर्सन, वन इज राजन एंड द सेकेंड पर्सन इज विनय. राइट एंड इन ए रो इफ देयर आर 8 बॉयज बिटवीन राजन एंड विनय. कह रहे राजन और विनय के बीच में कितने बॉयज हैं? 8 बॉयज हैं. देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द रोज. यस, अभी देखो थोड़ा सा आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ कि अगर यहाँ पे आ जाता है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज, ये नहीं है. यस, देन व्हाट विल बी योर आंसर? कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज. क्या है हमारे पास में? राजन इज 6th, राजन जो है दैट इज 6th फ्रॉम लेफ्ट, एंड विनय इज 10th फ्रॉम राइट. एंड द क्वेश्चन इज कि बीच में कितने लोग हैं? देर आर 8 पर्सन बिटवीन दिस. तो ये कह रहा है कि बताओ कितने बॉयज हैं क्लास के अंदर, जो रो है, रो के अंदर कितने बॉयज हैं. ठीक है, तो अगर मेरे पास में ये नहीं है मैक्सिमम और मिनिमम, इन दैट केस हमारे पास में हमेशा आंसर क्या बनेगा? द आंसर विल बी सी एंड डी. क्यों? रीजन बिंग कि मुझे नहीं पता, दिस इज अ सिंपल केस और एन ओवरलैपिंग केस. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि राजन यहां से 6th है, ठीक है, और विनय जब यहां पे आ रहा है तो उसको क्रॉस करके यहां पे 10th है, और यहां पे इन दोनों के बीच में 8 पर्सन है, हो सकता है. तो अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम या मिनिमम गिवन नहीं है, इन दैट केस वी कांट डिटरमाइन कि क्या आंसर आएगा.
ओके, तो उसके अंदर आप क्या आंसर करोगे, कांट बी डिटरमाइंड, डाटा इज नॉट सफिशियंट टू गिव द आंसर, इस तरह से. ओके, बट अगर आपके पास में गिवन है यहाँ पे मैक्सिमम या फिर मिनिमम, तो ये जो केस है आपके पास में, दिस इज मैक्सिमम केस, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने होंगे, एंड दिस इज योर मिनिमम केस. ओके, तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम कितने है? तो मैक्सिमम कितने, 6 ही हो गए हमारे पास में. देन 8% इन बिटवीन, एंड राइट से कितने हमारे पास, 10, दैट मीन्स टोटल 24. सो आंसर इज 24. ओके, आंसर क्या बन गया आपके पास, 24 विल बी द करेक्ट आंसर. दिस इज मैक्सिमम केस. ओके, मिनिमम का और चेक करेंगे सभी के सभी, एक बार खुद से ट्राई करेंगे कि मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास, सॉरी इन द रो, रो के अंदर मिनिमम कितने बॉयज होंगे, ट्राई करेंगे सभी अपने आप से. नेक्स्ट करिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए. सभी को पता है कि व्हेन वी क्वालिफाई द सीसेट एग्जाम, ओनली देन वी कैन गो ऑन द सेकंड स्टेप ऑफ आवर मेंस. अगर आपका क्वालिफाई नहीं है सीसेट का एग्जाम एंड यू गेट मोर मार्क्स देन योर कट ऑफ इन जीएस सेक्शन, तो आप मेंस के अंदर मेंस के अंदर नहीं जा सकते. ठीक है, आप एलिजिबल ही नहीं हो मेंस के लिए. दैट मीन्स व्हाट, कि मेंस के लिए मुझे प्रीलिम्स के दोनों सेक्शन कंप्लीट करने, पेपर वन और पेपर टू मेरे दोनों क्लियर होने चाहिए. एंड फॉर पेपर वन आपका सी सेट और जीएस दोनों जब आपके क्लियर होंगे तभी आप मेंस के लिए जा पाओगे. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी सिर्फ जीएस पे फोकस कर रहे हैं. सारे स्टूडेंट्स, होता यही है कि मोस्ट ऑफ द, मैं ये कहूँगी कि 90% एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका फोकस इस टाइम ओनली जीएस पे है. ठीक है, देन आई विल एडवाइज यू कि एटलीस्ट आप 1 आवर जरूर डिवोट करो सी सेट पे भी. ठीक है, तो अभी सी सेट के लिए आप लोगों के लिए अभी पीडिया एक कंप्लीट कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर हम आपको अभी 3 डेज का फ्री ट्रायल अवेलेबल करवा रहे हैं. 3 डेज का फ्री ट्रायल है, पहले ट्रायल लीजिए एंड देन इफ यू थिंक कि हाँ मुझे समझ आ रहा है, ओके दिस इज हेल्पफुल फॉर मी, तो उस केस के अंदर आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो. एंड इन दिस कोर्स वी विल कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ सी सेट विद वीडियो लेक्चर्स, एंड विद ईच वीडियो लेक्चर देयर इज ए माइक्रो टेस्ट अवेलेबल. माइक्रो टेस्ट है, ठीक है. इसके अलावा हर एक लेक्चर के साथ में पीडीएफ प्लस वेब नोट्स आपको मिलेंगे. ओके, एंड बिसाइड्स दिस आपको 3000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सो दैट कि अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो सके. ओके, तो जो भी एस्पिरेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो. देयर इज ए कॉन्टैक्ट नंबर आल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्यूरी रिगार्डिंग द कोर्स, इन दैट केस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट नंबर. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है आपके पास क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज सुमन्स रैंक फ्रॉम टॉप इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स. 40 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, तो कह रहे कि बताओ सुमन का रैंक उसमें क्या रहेगा. ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है आपके पास, कह रहा है कि सुमन इज 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम टॉप, दीपक रैंक फ्रॉम बॉटम इज 23 एंड सुमन इज 3 रैंक अबव दीपक फ्रॉम बॉटम. वी हैव 3 स्टेटमेंट्स. ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है क्वेश्चन को. क्या है कि आपके पास क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट्स है एंड ऑप्शंस आर कि एनी 2 of 3, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या इन दोनों में से हम किसी एक को यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा, या फिर फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम आंसर कर सकते हैं, या फिर सेकंड और थर्ड को अगर मैं कंबाइन करूं तो आंसर आ जाएगा, या फिर सिर्फ सेकंड और फर्स्ट और थर्ड में से एक को अगर मैं ले लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा. ओके, सो जस्ट चेक क्या गिवन है. पहले हम सबसे पहले फर्स्ट को चेक करते हैं. फर्स्ट के अंदर सुमन इज 3 रैंक बिलो दीपक फ्रॉम टॉप. ओके, और हमारे पास में सुमन का रैंक फाइंड आउट करना, टोटल 40 स्टूडेंट्स है. सुमन का रैंक दीपक से क्या है, 3 बिलो है, तो उसके लिए मुझे पहले दीपक का पता होना चाहिए. सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, दीपक का पता होना चाहिए. तो अगर हम दीपक को चेक करें तो क्या कह रहा है, दीपक्स रैंक फ्रॉम बॉटम इज 23. अगर हम दीपक का रैंक देखते हैं तो फ्रॉम बॉटम क्या आ रहा है, दिस इज 23 एंड वी हैव
total 40 students. 40 students, that means Deepak's rank from top, अगर मैं देखूं, from top, Deepak का अगर हम rank देखें, तो कितना आएगा? This will be 40 minus 23 plus 1. Okay, that means this is 18th. Means bottom से उसका क्या है? 23rd. And top से कितना है उसका? 18th. Clear? अब इसके साथ में हम combine करते हैं. अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को इसके साथ में कंबाइन करती हूँ, क्या कह रहा है? सुमन इज थ्री रैंक बिलो. यस, टॉप से दीपक कौन सी पोजीशन पे? 18th पे. अगर उससे थ्री रैंक हम बिलो लेके जाते हैं सुमन को, तो सुमन का रैंक क्या हो गया? यस, दिस विल बी 18 प्लस 3, दैट मीन्स 21st फ्रॉम टॉप. दैट मीन्स फ्रॉम द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन आंसर. बट हम यहीं पर स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज अपने पास और भी ऑप्शन है. अगर मैं सिर्फ यहीं पर स्टॉप कर जाती हूँ, तो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि हाँ जी, कि बाकी किसी से भी आंसर आ जाए. सो वी विल गो फॉर नेक्स्ट वन ऑल्सो. सो आप देखिए आगे क्या गिवन है आपके पास. अगर मैं देखती हूँ थर्ड को, तो थर्ड में क्या कह रहा है? सुमन इज थ्री रैंक अबव दीपक फ्रॉम बॉटम. कह रहा है कि दीपक की जो बॉटम से पोजिशन है उससे थ्री रैंक अबव है. थ्री रैंक अगर मैं अबाव देखती हूँ, तो इससे अगर मैं अबाव जाऊंगी थ्री रैंक, तो कितना हो गया? दीपक बॉटम से क्या है? 23rd पोजीशन पे. ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें, कह रहे हैं कि सुमन का रैंक, सुमन रैंक अबाव दीपक फ्रॉम बॉटम. बॉटम से अगर मैं देखूँ तो कितना रैंक हो गया उसका? बॉटम से उसका रैंक तीन अबाव करा, दैट मीन्स कि कितना हो गया? 20. ठीक है ना, ये यहाँ पे अपने पास में कितना आ जाएगा? 20. और यहाँ पे अगर मैं अपोजिट जाती हूँ, क्योंकि हमें तो टॉप से फाइंड आउट करना है, तो कितना हो गया? 40 माइनस 20 प्लस 1, अगेन फ्रॉम टॉप इट विल बी 21st. ओके, दैट मीन्स व्हाट? कि भी सेकंड और थर्ड, इसकी हेल्प से भी हम आंसर कर सकते हैं. सेकंड और थर्ड की हेल्प से भी आंसर कर सकते हैं, और ये भी मेरे पास ऑप्शन गिवन है. मीन्स कि फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से भी आंसर आ जाएगा, सेकेंड और थर्ड की हेल्प से भी आंसर आ जाएगा. तो क्या मैं इसको सेलेक्ट करूँ? अगर हमारे पास में एनी टू ऑफ थ्री मीन्स व्हाट? कि फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर आना चाहिए. अब अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को देखती हूँ, तो यहाँ से मुझे दीपक की पोजीशन नहीं मिल रही. क्या कह रहा? सुमन इज थ्री रैंक बिलो दीपक फ्रॉम टॉप, एंड सुमन इज थ्री रैंक अबव दीपक फ्रॉम बॉटम. तो उस केस के अंदर हमारे पास में दीपक की पोजिशन नहीं आ रही है, दैट मीन्स वी कांट आंसर. ओके, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से आंसर नहीं आएगा, तो हम इसको तो नहीं कर सकते. ओके, अब हम अगर चेक करें डी को, तो डी के अंदर क्या कह रहा है? ओनली सेकंड एंड ईदर वन एंड थ्री. दैट मींस कि सेकंड तो रिक्वायर्ड है, या तो इसके साथ में इसको कंबाइन कर दो, या फिर इसके साथ में इसको कंबाइन कर दो, दोनों से आंसर आ जाएगा. तो ये हम देख रहे हैं कि सेकंड, अगर मैं दीपक की पोजीशन को चेक करती हूँ उसके बेस पे, चाहे मैं उसको फर्स्ट के साथ कंबाइन कर रही हूँ या फिर मैं थर्ड के साथ कंबाइन कर रही हूँ, आई गेट द आंसर. सो आंसर विल बी व्हाट? Only second and either first or third. Okay, this is data sufficiency based question. And in your exam of CSET, around आपके 10 to 8 questions data sufficiency के आ जाते हैं. Okay, next देखिएगा. Yes, next question क्या है? In a queue, अमृता is 10th from front. फ्रंट से क्या है? 10th है. वाइल मुकुल इज 25th फ्रॉम बिहाइंड. एक क्यू है. यस, इन एक क्यू अमृता इज 10th फ्रॉम फ्रंट. यस, दिस इज अमृता एंड सी इज 10th फ्रॉम फ्रंट. वाइल मुकुल इज 20, दिस इज मुकुल, एंड मुकुल इज 25th फ्रॉम बिहाइंड. एंड ममता इज जस्ट मिडल ऑफ दीज टू. इन दोनों के बीच में कौन है? ममता. दिस इज मुकुल, दिस इज अमृता, एंड दिस इज ममता. ओके, आगे क्या है आपके पास में? इफ देयर बी 50% इन द क्यू. कह रहा है कि क्यू के अंदर कितने पर्सन है? 50% है. व्हाट इज द पोजीशन डज ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम फ्रंट? फ्रंट से ममता की पोजीशन क्या है? फ्रंट से ममता की पोजीशन क्या है? जस्ट ट्राई. पहले तो ये देखो कि
कि यहाँ पे आपके पास में ममता की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी, तो पहले पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने लोग आएंगे और यहाँ पे कितने लोग आएंगे. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टोटल है आपके पास 50. टोटल कितना है? 50. दैट मीन्स कि 10 ये हो गया आपके पास, प्लस इन दोनों की पोजीशन. यहाँ पे आपके पास में लेट अस से कि यहाँ पे आपके पास में एक्स नंबर ऑफ पर्सन है, यहाँ पे भी आपके पास में एक्स नंबर ऑफ पर्सन है. दैट मीन्स कि 2x प्लस 1 प्लस 25, एंड टोटल कितना कह रहा है कि 50% है. टोटल कितना कह रहा है वो आपको? 50% है. तो अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं तो कितने मिलेंगे आपको? यस, 25 के अंदर से एक गया आपके पास में 24 एंड 14. दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 7. एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 7. दैट मीन्स कि यहाँ पे बीच में कितने हैं? 7% यहाँ पे है, 7% आपके पास यहाँ पे है. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द पोजीशन ममता ऑक्यूपाई फ्रॉम फ्रंट? अगर हम फ्रंट से चेक करें ममता को, तो ममता देखो 10th यहाँ तक, 10th एंड 7 बीच में है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या होगी? यस, दिस विल बी 18th. कौन सी पोजीशन आ गई है? 18th. सो आंसर विल बी 18th. अब यहाँ पे मुझे आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ा, बट अगर थोड़ा आप लॉजिकली सोचते हो तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो. डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो. कैसे? क्या जी, 50% टोटल कह रहा है, इनको माइनस कर दो, इनको माइनस कर दो, बचेंगे कितने? बीच वाले पर्सन बचेंगे, और उसके अंदर से आधे ये, और मिडल में कौन है? ममता. तो आप डायरेक्टली कर सकते हो इसको. ओके, यस. नेक्स्ट देखें फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 पर्सन ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए रो, हु इज सिटिंग मिडल. अब यहाँ पे अगेन आपके पास डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है कि आपके पास में इसको स्टेटमेंट है आपके पास क्या है? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, एंड ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर रिक्वायर्ड टू गिव द आंसर. ओके, तो अब देखते हैं क्या है. बी इज बिटवीन ई एंड सी, बी इज बिटवीन ई एंड सी. लेट अस से दिस इज बी एंड दिस इज बिटवीन ई एंड सी. अब अगर मैं सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को लेती हूँ, देन देर आर टू पॉसिबिलिटी. कि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? कि बी यहाँ पे है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है सी, और यहाँ पे आ रहा है ए. दैट मीन्स फर्स्ट की हेल्प से नहीं हो पा रहा, बट यहाँ पे ऑप्शन में भी मेरे पास ओनली फर्स्ट नहीं है. ओके, दैट मीन्स आई विल कंबाइन सम अदर स्टेटमेंट विद फर्स्ट ऑल्सो. क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सेकेंड क्या है? बी इज राइट ऑफ ई, बी इज राइट ऑफ ई. तो B यहाँ पे है एंड B इज राइट ऑफ E. दैट मीन्स कि मेरे पास में यहाँ से क्या कंफर्मेशन मिली कि फर्स्ट वाले को हमने लेना है. दिस विल डिक्लाइन. ओके, यस. उसके बाद में क्या है? क्या हम अभी आंसर कर पा रहे कि मिड में कौन है? यहाँ से तो अभी मुझे क्या पता चला कि सिर्फ 3 लोगों की पोजीशन पता चली है. दैट मीन्स कि यहाँ से भी हम आंसर नहीं कर सकते. सो वी विल गो फॉर द थर्ड वन. थर्ड क्या है? डी इज बिटवीन ए एंड ई. डी कहाँ पे है? ए और ई के बीच में. अब यहाँ पे देखो, ई यहाँ पे है तो बीच में कहाँ हो सकता है डी? ऑब्वियसली डी यहाँ पे होगा आपके पास में, और यहाँ पे कौन होगा? ए होगा. ओके, दैट मीन्स कि तीनों की हेल्प से हम आंसर कर पा रहे हैं कि 5 पर्सन की पोजीशन क्या है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि मिडल में कौन है. तो मिडल में यहाँ पे कौन आ रहा है? ई आ रहा है. दैट मीन्स All the first, second and third is required to give the answer. Okay? Yes. Next question है screen पे. Next question देखिए क्या है. कह रहा है in a row of boys, if A who is 10th from left, A who is 10th from left and B who is 9th from right. A क्या कह रहा है कि 10th है from left से और B कहाँ पे है? Right में है. If they interchange their position, A becomes 15th from left. A क्या बन रहा है? 15th बन रहा है left से. Then how many boys are there in the row? तो बताओ row में कितने boys हैं? Yes, good question. देखिए क्या कहा है? A is 10th from left. A जो है that is 10th from left.
and B, who is ninth from right? Ninth from right. If they interchange their position, interchange their position means what? A will come here and B will come here. Done. A becomes 15th from left. A kya ban gaya? 15th. Kahan se? From left. Okay. Now we have the both position, this one and this one, from left. Left se mujhe dono position pata chal gayi. Okay. So question is, how many boys are in the row? Row ke andar kitne boys hain? Yes, row ke andar kitne boys hain? Ab yahan pe अगर अपने पास में क्वेश्चन आता कि बीच में कितने हैं तो भी आप फाइंड आउट कर सकते थे. ये भी पता चल गया मुझे कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, ये लेफ्ट से कौन सी है, राइट से कौन सी है. अगर मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करूं, फ्रॉम लेफ्ट इट इज 15th, एंड अगर हम राइट से चेक करें तो कौन सी थी? 9th. एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट टोटल. टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? यस, टोटल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस विल बी 15 प्लस 9 माइनस 1, दैट मीन्स 23. सो योर आंसर विल बी व्हाट? 23 विल बी द करेक्ट आंसर. अब अगर अभी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? यस, हाउ मैनी बॉयज आर बिटवीन ए एंड बी? बता सकते हैं? बिल्कुल, वी हैव बोथ द पोजिशन. 10th ये है, यहाँ पे 15th है, तो बीच में कितने लोग हो गए? देर आर 4 बॉयज. 10th, 11, 12, 13, 14 एंड दिस पोजीशन इज 15. ओके, दोनों तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिडल में कितने बॉयज हैं एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द रो कितने हैं. यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है क्वेश्चन? 3 पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग इन ए क्यूब. देर आर 5 पर्सन बिटवीन A and B and 8% between B and C. If there be 3% ahead of C and 21% behind of A, then what could be the minimum number of person in the queue? Minimum number of person कितने होंगे? ये आपको calculate कर रहे हैं. अब देखो क्या कह रहा है. 3% है A, B, C. रो क्यू के अंदर 5% है किसमें? A और B के बीच में. That means what? अगर मैं कहती हूँ A यहाँ पे है, B यहाँ है और बीच में कितने हैं? 5. Okay? Let us say 1, 2, 3, 4 and 5. Done? उसके बाद में क्या कह रहा है कि 8% है B और C के बीच में, B और C के बीच में. तो अगर मान लो यहाँ पे एक और भी पॉसिबिलिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी. एक तरह से पजल की फॉर्म में क्वेश्चन हो गया, ठीक है. तो एक पॉसिबिलिटी अगर हम और लेके चलते हैं तो यहाँ पे ऐसे भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 और 5. ए यहाँ पे आ गया. डन. अब उसने कहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर आर 5% बिटवीन ए एंड बी एंड 8 बिटवीन बी एंड सी. बी और सी के बीच में कितने हैं? 8 हैं. बी और सी के बीच में 8 है और मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स ओवरलैपिंग का केस हम यहाँ पे लेके चलेंगे. तो बी और सी के बीच में 8, दैट मीन्स कि 5 तो ये हो गए, 6, 7, 8. दैट मीन्स सी विल बी हेयर. एंड इफ आई विल टेक दिस केस, तो उस केस के अंदर देखो क्या बनेगा आपके पास? 5, 6, 7, 8, तो सी विल बी हेयर. डन. अब आगे देखो क्या है. इफ देयर वर, देयर विल बी 3% अहेड ऑफ सी. कह रहा सी से पहले कितने हैं? सी से पहले कितने लोग? 3. तो इसका मतलब ये वाला केस तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया. अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या कह रहा है कि 3% अहेड है. दैट मीन्स 1, 2 एंड 3. ओके, दैट मीन्स 3 ये हो गए हमारे पास में. एंड 21% बिहाइंड ए, और ए के बाद में कितने हैं? यस, क्या कह रहा है वो? 21%. ओके, तो अब देखो टोटल कितने बनेंगे. अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो गया आपके पास में? यस, 3 ये हो गए, 4, 5, 6 एंड 7 यहाँ तक हो गया, ए तक, और 21 उसके बाद में है. दैट मीन्स देयर विल बी टोटल 28. And this case will be cancelled. So your answer will be 28. Okay. So students, in today's class I discussed order and ranking based questions and all the questions were important. अगर आपको लगता है कि हाँ जी कुछ समझ आया, in that case
लाइक करेंगे सभी के सभी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ओके। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं 3 डेज़ का ट्रायल, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।